ज माइ ने रिज़वान चीमा वेलकम बैक विद वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज की स्टूडियो में आपको ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एच के वाले से एक्सप्लेन करूँगा जिससे मैंने सीरीज़ में बाकी तमाम सेक्टर्स की वीडियो बनाई है नाइन्थ में ऑनवर्ड क्योंकि लोकेशन चूजिंग ओपन हो रही है मैंबर्स के लिए तो आप अगर लोकेशन चूज़ करते हैं तो कौन से ब्लॉक में कौन से स्ट्रीट में कौन से प्लाट्स ऐसे जो रिकमेंडेड हैं कौन से नॉट रिकमेंडेड हैं और रिकमेंडेड है तो क्यों रिकमेंडेड है नॉट रिकमेंडेड है तो क्यों नॉट रिकमेंडेड है उसके वाले से मैंने पिछली जो सेक्टर जी तक वीडियो बनाई है सेक्टर ए सेक्टर बी सेक्टर सी सेक्टर डी सेक्टर ई e, एफ और जी ये जो आठ वीडियोज बनी है इससे मैंने सिर्फ वही चीजें एक्सप्लेन की हैं तो आज सेक्टर एच की बारी है तो इसमें मैं आपको तमाम तो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ सेक्टर एच का जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मैप आपको नजर आ रही है ये मैप रिवाइज हो चुका है ये सोसाइटी ने नया मैप है उसको फिशली भी लॉन्च नहीं किया लेकिन मास्टर प्लान पर उसकी इंडिकेशन हो जाती है नया मास्टर प्लान है इसमें आपको सेक्टर एच से एक डिवाइडर रोड मिलती है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ओवरसीज ईस्ट को और इसके साथ गोल्फ कोर्स कैपिटल हिल्स लेक व्यू ब्लॉक है और बाकी गोल्फ कोर्स है उसको कनेक्टिविटी मिलती है इस सेक्टर से ओवरऑल सेक्टर एच में सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज हुआ है बाकी तमाम के तमाम चीज़ें मोस्टली अपनी जगह पर ही हैं उसमें वैसे कोई मैसिव चेंजेस नहीं आए लेकिन ये एक पार्ट जो है वो बीच में चेंज हुआ है तो इसके हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको पुराने मैप से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि नया मैप जो है वो अभी तक प्रॉपरली हमारे पास नहीं आया लेकिन आपको मैं तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ सिर्फ एक रोड बीच में ऐड हुआ है आगे जाके बाकी चीज़ें वैसी हैं अब बात करें सेक्टर एच की लोकेशन के हवाले से इसकी चार जो साइड्स बनती हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साइड पे इसके बनता है आपके सेक्टर एफ और सेक्टर एफ़ की बैक साइड पे आपके खाली ओपन स्पेस है और इस साइड से अगर नॉर्थ आप कह लें कि नॉर्थ वेस्ट साइड पे देख लें तो आपके गोल्फ़ कोर्स की जो प्रीमिसज़ है वो आ जाती हैं मैं आप मास्टर प्लान दोबारा ऑन कर देता हूँ जो गोल्फ कोर्स की प्रीमिसज हैं वो आपको इस सेक्टर से बड़ा अच्छा व्यू मिलता है क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्टली ये प्लाट अच्छे एलिवेटेड प्लाट हैं और सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनबल हैं एज सच को प्लॉट यहाँ पर कोई जमीन जो है इटिगेशन में नहीं है यानी कि ऐसी कोई प्लॉट्स नहीं है जो सोसाइटी ने बैलेट कर हों या करने वाले हों लेकिन उसकी जमीन मौजूद ना हो सेक्टर एच में स्पेसिफिकली बाकी सेक्टर्स हैं मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा लेकिन इस सेक्टर में ऐसा कुछ कोई लिटिगेशन का इशू नहीं है चार साइड्स में नॉर्थ साइड में आपको बता दिया आपके नॉर्थ साइड पर आपका सेक्टर एफ है नॉर्थ वेस्ट साइड पर आपका गोल्फ कोर्स है ईस्ट साइड पर सेक्टर जी है आपकी वेस्ट साइड पे आपको जो चीज़ बनती है वो बनती है अपार्टमेंट बिल्डिंग जो गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे जो बड़े लग्जरी अपार्टमेंट बनेंगे जब भी बनेंगे नए मास्टर प्लान वैसे इनको भी चेंज कर दिया है यहाँ पे कुछ और दिखा दिया हुआ है नहीं ऐसे अपार्टमेंट लिखा नहीं हुआ लेकिन हल में अपार्टमेंट बिल्डिंग ही होगी और अगर हम बात करें साउथ साइड पे तो साउथ साइड पे मेन रोड और मेन रोड, रोड के क्रॉस कमर्शियल कमर्शियल के आगे सेक्टर के बनता है ये ओवरऑल चार साइड्स की बात हो गई अगर चार साइड्स के अलावा बात करें इसमें तो प्लॉट की डायमेंशन की कि किस साइज के प्लॉट अवेलेबल है यहाँ पे तो यहाँ पे सारे के सारे प्लॉट जो है वो पचास बाय नब्बे के प्लॉट हैं अगर हम यार्ड्स में बात करें तो पाँच गज मरलों में बात करें तो बीस मरले का प्लॉट बनता है आपका सेक्टर एच में पचास बाय नब्बे यानी पचास फीट फ्रंट एंड नब्बे फीट बैक और तमाम के तमाम प्लॉट क्योंकि अच्छे एलिवेटेड जगह पे हैं आपको सेक्टर जी की निस्बत सेक्टर एच बहुत अच्छी एलिवेशन मिलती है आप यहाँ पे खड़े हो तो आपसे लगता है आप स्लोप पे खड़े हैं सेक्टर जी आपको पूरा स्लोप पे नजर आता है यानी यूं डाउनवर्ड स्लोप नजर आती है तो एक अच्छा सेक्टर है लोकेशन वाइज और सबसे बड़ी बात है कि आपको साढ़े तीन साल के प्लॉट पे प्लान पे तिरसठ लाख पैंसठ हजार का प्लॉट आपने बाय किया और आज की डेट में आपका जो प्लॉट है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रॉफिट्स का आप देख लें किस तरह पहुंचा हुआ है आगे प्रॉफिट से हट इस प्लॉट को डेढ़ साल के टाइम फ्रेम में डिलीवर कर दिया गया पोजेशनेबल हो गए हैं तमाम के तमाम प्लॉट्स अभी गूगल अर्थ पे इमेजेस जो हैं वो अपडेटेड हैं नवंबर 2021 की दूसरी इमेजेस अपडेट नहीं हुई जब वो होंगी तो इंशाल्लाह मैं वो दोबारा बना लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा अभी तक देखा जाए तो ये सेक्टर एच की इसमें यहाँ कुछ पार्ट शो कर रहा है नवंबर की इमेजेस में ये कुछ पार्ट ग्रीनरी में शो कर रहा है लेकिन एक्चुअल अगर ग्राउंड पे जाकर देखते हैं तो ये वाला पार्ट भी सारा स्ट्रीट का अलाइनमेंट और सारा कुछ ड्रा हो चुका है तो ये वाली सारी लैंड भी प्रिक्योर्ड है तो एच ब्लॉक के मेम्बर्स अगर आपको प्लॉट है तो डेफिनेट इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें लॉन्ग टर्म में आएगा अब बात करते हैं जी सेक्टर एच की लोकेशन पे जो इसकी गूगल अर्थ इमेजेस हैं कि प्रीवियसली एरिया कैसा था और आज की डेट में ये एरिया कैसा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि ओवरऑल ये आज की डेट में कैसा दिखाई देता है नवंबर दो में कुछ एरिया यूँ दिखाई देता है अगर इसको थोड़ा सा हम पीछे करें जुलाई दो में तो सेम एज इट इज़ वही इमेजे हैं कोई चेंज नहीं आया अच्छा जी मई ट्वेंटी में तो ये वाला पार्ट थोड़ा ग्रीन नज़र आ रहा है बाकी एरिया ब्राउन ही नजर आ रहा है अच्छा उसके बाद आता है जनवरी 20 में तो मेरा नहीं ख्याल कुछ भी इसमें लैंड में यहाँ पे सारी लैंड प्रिक्योर नहीं थी यहाँ डेवलप नहीं हुई थी लाइक like, सारी लैंड ही रॉ लैंड इसमें सिर्फ कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं थी जुलाई uh, दो में आपके सामने है मई दो में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था अच्छा जी उससे पहले अप्रैल दो में सेम एज इट इज़ कुछ भी नहीं था जून 2019 में एज इट इज़ ये सारे जो कुछ बीच में कुछ लेआउट प्लान रोड का नजर आ रहा है ना ये सारा जो है पिछली सोसाइटी का है नेशनल हाउसिंग सोसाइटी का तो ये अभी जैसी बात है सोसाइटी ने और प्राइम ब्लॉक के बना के इसको मेन रोड पे कनाल के प्लॉट्स या जितनी कनाल के मेम्बर्स हैं उनको एफ और एच में ही एडजस्टमेंट मिली है बल्कि सेवेंटी को एच में मिली है और थर्टी को एफ में मिली है तो मेरे हाल में एडजस्टमेंट वाइज बहुत अच्छा ब्लॉक है दो मैप दो ब्लॉक के मैप्स रिवाइज हुए हैं एक है सेक्टर एच का और एक सेक्टर जे का मैं सेक्टर जे का लेटेस्ट मैप मेरे पास नहीं आया लेकिन मैंने हार्ड कॉपी में फिजिकल में देखा हुआ है तो उसमें कुछ नई डायमेंशन के प्लॉट ऐड हुए हैं कमर्शियल मर्कज ऐड हुआ है दो कनाल के प्लॉट हुए हैं कुछ कनाल के प्लॉट भी ऐड हुए हैं पहले वहां पर सिर्फ दस मरला के प्लॉट थे अब मैं आपको दोबारा टाइम लाइन को मूव करते हैं फ्यूचर की तरफ ट्वेंटी नाइनटीन से ट्वेंटी तो दो हज़ार बीस में, में सॉरी अप्रैल में इस तरह दिखाई देता था देन मे में कुछ यूं दिखाई देता था ऑनवर्ड्स 2020 आप जुलाई में आ जाए तो कुछ यूं दिखाई देता था फिर आप आ जाएँ फर्स्ट ऑफ यानी कि जनवरी 2021 में कुछ दिखाई देता था और उसके बाद मई 2021 में एरिया कुछ क्यों दिखाई देता था नेक्स्ट इज़ आपका आ जाता जुलाई 2021 तो आपका सारा एरिया जो है वो सारी की सारी लैंड ब्राउन हो चुकी है और बाकी आपको इवन दो गूगल अर्थ की जो इमेजेस हैं सेटेलाइट पे उसमें भी आपको मशीनरी काफ़ी हद तक नज़र आ रही होगी कि ओवरऑल जो यहाँ पे मशीनरी इस वक्त साइड पर मौजूद है ये आप देख सकते हैं कि मतलब तो डिफरेंट साइड पर मशीनरी जो लगी हुई है ये देख लें ये मशीनरी लगी हुई है ये लगी हुई है इस तरफ लगी हुई है तो ये सारा एरिया जो है इसका इनफैक्ट नीचे रोड की एसफॉल्ट होता है ये रोड कौन सा है यहाँ पे आई थिंक रोड ड्रॉ किया जा रहा था लेकिन प्रीवियसली शायद हो कुछ साइड का लेकिन ओवरऑल जो है इस रोड को यहाँ से आगे एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आया जा रहा है और आगे इस साइड पे गोल्स कोर्स वाली साइड पे भी इस प्लॉट के बैक साइड पे जो कुछ व्यू बनते हैं जैसे ये वाले प्लॉट्स हैं ये तो डायरेक्टली गोल्फकर्स फेसिंग प्लॉट्स है ना प्लॉट नंबर ट्वेंटी फाइव प्लॉट नंबर नाइन टू ट्वेंटी फाइव या वन टू ट्वेंटी फाइव लें तो तकरीबन ले तो गोल्फ कोर्स फेसिंग ही बनता है ओवरऑल इस ब्लॉक की लोकेशन बहुत अच्छी है इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है सबसे अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट्स काउंट होते हैं उसमें प्लॉट नंबर आप वन टू प्लॉट नंबर एटीन कह लें ट्वेल्व टू एटीन सॉरी ये वाले जो प्लॉट हैं बहुत अच्छे हैं फ्रंट बैक ओपन और बैक पे पार्क है तो आपको सिर्फ सिंगल कैटेगरी के पैसे देने हैं आपको एडवाटेज डबल कैटेगरी का मिलेगा यानी कॉर्नर के पैसे देने हैं लेकिन एडवांटेज आपको साथ पार्क कर मिलेगा इसके अलावा ये वाले प्लाट सारे पार्क फेसिंग बड़े अच्छे प्लॉट हैं इसके अलावा कॉर्नर प्लाट तो जितने हैं रिकमेंडेड नहीं होते कनाल में लेकिन आपको कनाल का प्लाट कॉर्नर मिल जाए तो ज़्यादा सोने पे सुहागा तो मतलब आई सिंग ऑफ द टॉप तो एक वो बेनिफिट मिल जाता है बाकी इसमें जो आ, एवरेज लोकेशन वाले प्लाट हैं जो या बुरी लोकेशन वाले प्लॉट हैं प्लाट नंबर वन टू तो प्लाट नंबर एट ये लोकेशन मेन रोड है लेकिन सामने चूँकि एक कमर्शल एक्टिविटी है तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और इस तरफ आ जाएँ तो कुछ ये वाले प्लाट हैं यहाँ पर ये कमर्शल लेकिन थोड़ा अक्रॉस द रोड है तो इतना उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी चार मरला कमर्शल है जिन लोगों को प्राइवेसी इशू है उनको होना चाहिए फ़र्क लेकिन ऐसा कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं है इस ब्लॉक के जो चार इस मेन रोड वाले प्लॉट हैं इनको थोड़ा सा जिन मेंबर्स ये प्लाट बाय कर रहे हैं मेन रोड पे उनको जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि सामने वाली साइड पे बड़े मेगा कमर्शल हैं आठ कनाल दस कनाल कमर्शियल तो अक्रॉस द रोड आपकी प्राइवेसी जो है उसमें डिस्टरबेंस के फुली चांसेस हैं ये ना सोचेंगे बिल्कुल के मेन रोड पर सिर्फ होगा तो फ्रंट पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ सोसाइटी की तरफ से बड़े मेगा कमर्शल फ्यूचर में लॉन्च किए जाएंगे तो उसका आपको नेगेटिव uh, नहीं तो पॉजिटिव इम्पेक्ट तो कोई नहीं मिलेगा तो ये आपका ओवरऑल एच ब्लॉक बनता है मेरे हाल में कौनस के लिहाज से सबसे कम ब्लॉक कम से कम इशूज हैं इस ब्लॉक में सारी की सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं क्योंकि सिर्फ का ब्लॉक है और अच्छी मतलब फ्रंट बैक ओपन वाले प्लॉट भी मौजूद हैं जैसे मैंने वाले प्लॉट का जिक्र किया फ्रंट बैक ओपन और जो जितने कॉर्नर प्लॉट हैं वो भी अच्छे हैं इन एनी केस सारे के सारे प्लॉट जो हैं इस ब्लॉक में बहुत अच्छे बनते हैं सो सोयर दिस वॉज इट फ्रॉम डे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विज़िट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़